अगर ना दोनों मिले तू पहला पहला प्यार। हेलो गाइज, माय नेम इज कमलेश एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसा आपने स्टार्टिंग वीडियो को देखा, इस तरह का लव स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो मेरे भाई बस इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जो भी आपको स्क्रीन पे काइनमास्टर एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, आपको इसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाइए और सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाना होगा और यहाँ पे जो 1:1 वाला फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा ताकि कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंटरफेस मिल सके। अब आपको यहाँ पे साइड में सेटिंग ऑप्शन पे जाना होगा और सिंपल आपको सबसे पहले एडिटिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पे नीचे मिलने वाले, उनमें से आपको फिल स्क्रीन के नाम से सेकंड ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे जाने के बाद बैक आ जाना होगा। इतना काम करने के बाद ऊपर आपको मिलेगा मीडिया का ऑप्शन, है इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको गैलरी का यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा। आपकी जिस भी फोल्डर में आपकी फोटोज होगी उनको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना हो, तो कुछ इस तरीके से फिर मैंने फोटोज को सेलेक्ट कर लिया। तो गाइज, आपको भी इसी तरीके से फोटोज को सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना होगा स्टार्टिंग पोजीशन पर। और आपने जैसा कि स्टार्टिंग में आपने फुल स्क्रीन के नाम से सेलेक्ट किया था तो आपकी फोटो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन में हो जाएगी। अगर आपकी कोई फोटो फुल स्क्रीन में ना हो तो आपको करना क्या होगा, फोटो पे क्लिक करना होगा और आपको इस ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले आपको बराबर पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे फोटो को इसी तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे जो भी फोटो आपकी एडजस्ट नहीं है उसको कुछ इसी तरीके से यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको उसको एडजस्ट कर लीजिए और आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे फिर से यहाँ पे आ जाना होगा। अब दोनों फोटो के बीच में आपको जो भी प्लस का आइकन आपको दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रांजैक्शन इफेक्ट है, उस पर आपको करना क्या होगा, नीचे तरफ आपको यहाँ पे स्लाइड करना होगा और इस काइनमास्टर के अंदर आपको यहाँ पे फंड ट्रांजेक्शन मिलेगा तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। इसमें आपको यहाँ पे पांच ऑप्शन मिलेंगे तो आपको यहाँ पे चार को सेलेक्ट करना होगा, ऊपर वाले चार आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन चारों में से आप किसी को भी फर्स्ट में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको फिर से इसी पे क्लिक करना होगा और आपको फंड ट्रांजेक्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पे मैं जो हार्ट वाला आ रहा है उसको आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे सभी फोटोज के बीच में आपको जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ रहा है उन सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा ताकि आपका वीडियो अच्छी तरीके से यहाँ पे 30 सेकंड तक क्रिएट हो सके। कुछ इसी तरीके से आपके पूरे वीडियो में यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगने के बाद आपको फर्स्ट वाले फोटो को इस तरीके से कम कर लेना होगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ कि आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरीके से करने के बाद आपको करना क्या होगा, ऊपर शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और इस वीडियो को सिंपल एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो गाइज, आपका वीडियो एक्सपोर्ट होके गैलरी में सेव हो चुका, आपको सिंपल दो बार बैक आ जाना होगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको प्लस आइकन पे जाना होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऊपर मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा और उसी फोल्डर को आपको यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर लेना होगा जिस फोल्डर में आपकी फोटोज थी। तो आपको यहाँ पे एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना होगा, तो मैंने यहाँ पे एक फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। इस फोटो की ड्यूरेशन को आपको 30 सेकंड तक बड़ा कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इसी तरीके से यहाँ पे 30 सेकंड तक इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे करने के बाद आपको आ जाना होगा फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पर और फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे बराबर पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे दो बार क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपकी फोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुल स्क्रीन हो चुकी है। तो यहाँ पे होने के बाद आपको करना क्या होगा, बैक आ जाना होगा। यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बेसिक इफेक्ट, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे फर्स्ट को सेलेक्ट जैसे किया तो आपकी फोटो के ऊपर ब्लर यहाँ पे आ चुका है। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, ब्लर को सबसे पहले फुल स्क्रीन कर लेना होगा। मैंने फुल स्क्रीन कर लिया है, ब्लर वाले भी लेयर पे आपको क्लिक करके रखना होगा। तो यहाँ पे आपको सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 4 पे सेलेक्ट कर लेना होगा या फिर 5 पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट यहाँ पे होगा कि आपको इसको पूरा लास्ट तक लेके जाना होगा ताकि आपका वीडियो में पूरे फोटो पे ब्लर आ सके। तो गाइस, इतना काम करने के बाद अब मिलेगा आपको टेम्पलेट जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए उस टेम्पलेट को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो लेयर के ऑप्शन पे आपको सिंपल जाना होगा और मीडिया पे जाने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में वो टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं उस टेम्पलेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपको सबसे पहले टेम्पलेट पर क्लिक करके रखना होगा, इस ऑप्शन पे जाने के बाद फुल स्क्रीन यहाँ पे कर देना होगा। तो गाइज, ये टेम्पलेट मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस आपको इतना सी, कोई भी पैसे नहीं लगते लाइक और यहाँ पे सब्सक्राइब करने के, तो जल्दी से कर दो। तो गाइज, आपको करना क्या होगा, टेम्पलेट पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे आना होगा। तो गाइज, यहाँ पे देख पा रहे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपल जाना होगा और आपको फोर्थ नंबर पे स्क्रीन मिलेगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, कुछ इसी तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको इतना काम करने के बाद आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और मीडिया पे जाने के बाद जो वीडियो भी आपने फोटोज का एक्सपोर्ट किया था एक्सपोर्ट फोल्डर में जाना होगा, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मेरे भाई देख पा रहे हो, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। आप जो भी यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है इसके ऊपर आपको इसको जूम आउट करके या फिर जूम इन करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना होगा।
तो यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। कुछ इसी तरीके से इसके ऊपर आपको एडजस्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पे जाना होगा और आपको यहाँ पे इसको सबसे पहले फ्रंट पे कर लेना होगा। सेकंड ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा ताकि आपका टेम्पलेट यहाँ पे अपने वीडियो के ऊपर आ सके। तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको फिर से स्टार्टिंग पोजिशन पर आना होगा। जो भी यहाँ पे हार्ट वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपके दो, उसमें अपनी फोटो को एडजस्ट करना होगा। तो लेयर के ऑप्शन पर जाना होगा। मीडिया पर जाने के बाद उसी फोल्डर में से आप एक और यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैं एक फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इस फोटो पे आपको क्लिक करके रखना होगा। यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे मार्क्स को सबसे पहले ऑन कर लेना होगा। शेप में जाने के बाद यहाँ पे हार्ट वाली शेप आ रही है उसको सेलेक्ट कर लेना होगा। कुछ इस तरीके से आपकी फोटो को यहाँ पे आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना होगा। उसके बाद में जो भी यहाँ पे दिल आ रहा है उसके ऊपर आपको इसको रखना होगा। आपको फिर से इसको लास्ट लेके जाना होगा ताकि आपका वीडियो पूरा अच्छी तरह से क्रिएट हो सके। और आपको यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा और यहाँ पे फिर से उसी फोल्डर में जाने के बाद एक फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैंने इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया। आपको क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना होगा और फिर से उसी तरीके से मार्क्स को इनेबल करना होगा। यहाँ पे सेव में जाने के बाद आपको हार्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने कर लिया यार। यहाँ पे जो दूसरा वाला दिल आपको दिखाई दे रहा है साइड में, इसके ऊपर आपको इसको रोटेट करके जूम आउट करके रख देना होगा। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से इतना काम कर दिया। आपको करना क्या होगा, इसको भी लास्ट लेके जाना होगा। अभी टेम्पलेट मैंने आपको दिया था, आपको करना क्या होगा, इस पर क्लिक करना होगा। सबसे लास्ट काम आपको यहाँ पे यही करना होगा, आपको थ्री डॉट पे जाना होगा और इसको फ्रंट पे जरूर कर लेना, तभी आपका वीडियो परफेक्टली क्रिएट हो सकेगा। अगर इसमें जो भी आपको साउंड मिलेगा वो आपको अच्छा नहीं लगे तो आपको करना क्या होगा, टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा। साउंड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसको आप बंद भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें दूसरा साउंड या पे ऑडियो के ऑप्शन पे जाने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो गाइज मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। झूठी है वो राहें सारी दुनिया की, इश्क जहां। तो गाइज आपने वीडियो को देख लिया, मैं आपको पूरा वीडियो प्ले करके नहीं दिखा सकता यार, इसमें यूट्यूब पर कॉपीराइट आ सकता है। तो गाइज इसी तरीके से आपका वीडियो पूरा अच्छी तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, इस वीडियो को सबसे पहले कर दीजिए एक्सपोर्ट। मिलते हैं कुछ इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।